हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रियंका चोपड़ाज मेकअप लुक विच ही वोर इन ऑस्कर्स पार्टी 2019। तो मैं ये वाली लुक रिक्रिएट करने जा रही हूँ। सो एज यू कैन सी, उनकी ओवरऑल लुक बहुत ही लाइट है। उनका आई मेकअप थोड़ा सा हैवी है, बट बेस मेकअप उन्होंने बहुत ही लाइट रखा है। तो मैं इसी तरह से मेकअप करूंगी, और स्पेशली मुझे उनका आई मेकअप बहुत ही पसंद आया था। उन्होंने एक ग्रेइश कलर का ग्लिटर आई मेकअप किया था विथ वेरी लाइट लिपस्टिक। तो आप ये लुक रिक्रिएट कर सकते हैं किसी भी पार्टी के लिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा फॉर पार्टीज। एंड आई रियली होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। सो आई एम गोना स्टार्ट विद माई ब्राउज, और आप देख सकते हैं प्रियंका चोपड़ा की जो ब्राउज हैं वो थोड़ी सी थिक हैं और डार्क हैं। तो मैं इसी तरह से थोड़ी सी थिक और डार्क ब्राउज ड्रॉ करूंगी। और ब्राउज के लिए मैं बेनिफिट ब्राउ कॉन्टर प्रो यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें से जो डार्कर शेड है मैं वो यूज़ करूंगी, और हल्के से मैं पहले अपनी ब्राउज को लाइन कर लूंगी। तो अकॉर्डिंग टू योर ब्राउ हेयर कलर, जो आपका ब्राउज का कलर है उसी के हिसाब से आप प्रोडक्ट यूज़ करें। अगर थोड़ी सी डार्क ब्राउज हैं आपकी तो आप डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले लाइन कर लूंगी एंड देन एम गोना फिल माई ब्राउज विद द सेम प्रोडक्ट। तो इस पेंसिल में आपको डिफरेंट कलर्स भी मिल जाते हैं। इसमें आपको लाइट ब्राउन भी मिल जाएगा और डार्क ब्राउन भी मिल जाएगा, तो आप उस हिसाब से कलर यूज कर सकते हैं। तो आप आहिस्ता आहिस्ता डार्क फिल कर लें। एंड एज आई सेड, मैं थोड़ी सी डार्क ब्राउज ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैं इस तरह से अपनी ब्राउज को फिल कर लूंगी। नाउ प्राइमर के लिए मैं ये फेस सीरम यूज कर रही हूँ। इट एक्चुअली एड्स एज अ प्राइमर एज वेल, क्योंकि थोड़ा सा थिक है और आपकी पोर्स को अच्छे से फिल कर देगा। तो मैं अच्छे से इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी, और मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर लिया अपने फेस को। और आप हमेशा अपने स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइजर और प्राइमर अप्लाई करें, और प्राइमर आप कभी भी स्किप ना करें। स्पेशली अगर आप पार्टी मेकअप करते हैं तो आप प्राइमर जरूर अप्लाई करें बिफोर अप्लाइंग योर फाउंडेशन। नाउ फेस में थोड़ा सा ग्लो लाने के लिए मैं ये रिमल का लिक्विड इल्यूमिनेटर यूज कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा प्रियंका की जो बेस है वो बहुत ही लाइट है, बट बहुत ही उनका एक हेल्दी ग्लो है फेस में। तो वो लाने के लिए आप कोई भी लिक्विड इल्यूमिनेटर यूज कर सकते हैं। तो मैं ये अप्लाई कर लूंगी। आप चाहें तो आप इस प्रोडक्ट को मिक्स भी कर सकते हैं विद योर फाउंडेशन एज वेल, बट आप फाउंडेशन से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी इसको। नाउ फाउंडेशन के लिए मैं बेनिफिट की हेलो हैप्पी फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। ये सॉफ्ट मैट फाउंडेशन है, और बहुत ज़्यादा मैटिफाइंग नहीं है और बहुत ज़्यादा डुई फाउंडेशन भी नहीं है। ये इन बिटवीन फाउंडेशन है, बहुत अच्छी फाउंडेशन है अगर आप ट्राई करना चाहते हैं। और ये शेड थोड़ा सा डार्क है मेरी स्किन कलर के हिसाब से, बट बाद में मैं थोड़ा सा लाइट कंसीलर अप्लाई कर लूँगी तो शेड ठीक हो जाएगा। और मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी यूजिंग अ डैम स्पंज। और मुझे पर्सनली ये फाउंडेशन बहुत अच्छी लगती है। इसका टेक्स्चर जो है फाउंडेशन का बहुत अच्छा है, और फिनिश भी बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मैटिफाइंग नहीं लगती फाउंडेशन। कंसीलर के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर यूज कर रही हूँ, और ये कंसीलर थोड़ा सा लाइट है कलर में, और मैं इसको अपने अंडर आईज पे अप्लाई कर लूंगी। तो मैं अपने सेंटर ऑफ फेस को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा प्रियंका की जो बेस है वो बहुत लाइट है, बट उनका जो फेस है वो बहुत ही हाईलाइटेड लग रहा था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लाइट कलर यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो आप लाइटली कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा अप्लाई करूंगी, और इस कंसीलर की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कंसीलर, आप एक बार देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और आप लाइटली भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप थोड़ा एक्स्ट्रा अप्लाई करेंगी तो आपको फुल कवरेज मिल जाएगी। तो मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूंगी यूजिंग अ डैम स्पंज। अपने अंडर आईज को और फेस को सेट करने के लिए मैं मेबेलिन का सुपर स्टे प्रेस पाउडर यूज कर रही हूँ, और एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं अपने पूरे फेस को और अंडर आईज को अच्छे से सेट कर लूंगी। और ये वाला पाउडर थोड़ा सा हैवी है, तो अगर आपको एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए तो उसके लिए पाउडर बहुत अच्छा है। फाउंडेशन के बाद ये पाउडर अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कवरेज भी मिल जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी आईज। सो एज आई सेड, प्रियंका चोपड़ा की जो आईज हैं उन्होंने थोड़ा सा हैवी आई मेकअप किया है, तो उसके लिए आपको ट्रांजिशन कलर अप्लाई करना बहुत जरूरी है टू डिफाइन योर आईज, क्योंकि एज यू कैन सी उनकी आईज बहुत ज्यादा डिफाइन लग रही हैं।
तो उसके लिए मैं कलर पॉप का ये वाला आई शेडो ले रही हूँ, ये मैट आई शेडो है, एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश मैं इसको अपनी क्रीज में अप्लाई करूंगी एज माई ट्रांजिशन कलर, और अच्छे से आप उसको ब्लेंड करें। अब अपनी क्रीज को थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैं ये डार्क आई शेडो ले रही हूँ कलर पॉप का, एंड विद द हेल्प ऑफ सेम ब्लेंडिंग ब्रश मैं इसको आउटर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूंगी, एंड आई एम गोना ड्रैग द सेम कलर इनवर्ड्स एज वेल अपनी क्रीज में लेके आऊंगी, ताकि दोनों को आई शेडोज को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँ और मेरी क्रीज थोड़ी सी डार्क हो जाए। सो अच्छे से आप आई शेडोज को ब्लेंड करें। अब आप आईलेट्स पे देख सकते हैं प्रियंका चोपड़ा ने थोड़ा सा ग्रेइश गन मेटल काइंड ऑफ कलर अप्लाई किया है ऑन द आईलेट्स, और थोड़ा सा उन्होंने सिल्वर कलर का ग्लिटर्स अप्लाई किए हैं। तो बेस के लिए सबसे पहले मैं ये वाला आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, ये मेटालिक्स आई शेडो है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिस कॉस्मेटिक्स, मैं नीचे लिंक मैंशन कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं सिमिलर शेड है, तो मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसको अपनी पूरी आईलेट्स पे अप्लाई कर लूंगी, और बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है, अपनी फिंगर्स की हेल्प से इजिली अप्लाई कर सकते हैं, और आपको इसको सेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही सेट हो जाता है। तो स्पेशली अगर आपकी आईलिड्स थोड़ी सी ड्राई रहती हैं तो आप इस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करें। अब जैसे कि मैंने कहा उन्होंने सेंटर पे सिल्वर ग्लिटर्स अप्लाई किए, उसके लिए मैं ये वाले ग्लिटर्स यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम मेरन वाइल्ड, अगेन मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, और मैं इसको अपनी आईलिड्स पे अप्लाई कर लूंगी, और मैं फिंगर्स की हेल्प से ही अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इसके साथ आपको ग्लू यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब कलर पॉप की पैलेट में से मैं ये ब्लैक आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसको हल्का सा अपने आउटर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूंगी टू डिफाइन माई आउटर कॉर्नर्स, और उनकी जो लुक है वो थोड़ी सी स्मोकी लग रही थी तो इसलिए मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, और अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूंगी इस आई शेडो को। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फेस। अब आप देख सकते हैं प्रियंका ने बहुत ज्यादा हार्श कॉन्टूरिंग नहीं की, बट उनका फेस बहुत ज्यादा ब्रॉन्जअप लग रहा है, उसके लिए मैं पर्ल ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ। अब पर्ल ब्रॉन्जर बहुत ही लाइटली आपके फेस पे कलर ऐड करेंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी फेस पे वार्म ऐड कर देते हैं, तो इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ, और ये बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं है, और मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। पहले मैं अपनी चीक बोन्स पे अप्लाई कर लूंगी थोड़ा सा, हल्का सा मैं जॉ लाइन पे अप्लाई कर लूंगी, ऑन माई फोर हेड एंड माई ऑन द साइज ऑफ माई नोज इज वेल, तो इससे आपके फेस पे बहुत अच्छे से कलर ऐड हो जाएगा। तो प्रियंका ने बहुत ज्यादा ब्लश भी नहीं अप्लाई की, और बहुत ज्यादा पिंक ब्लश नहीं अप्लाई की, तो उसके लिए मैं कोरल कलर का ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, और इसमें थोड़े सा शिमर्स है बट बहुत ज्यादा नहीं, तो ये हल्का सा मेरी स्किन में ग्लो भी दे देगा, तो मैं ये अप्लाई कर लूंगी ऑन माई चीक्स। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा कलर नहीं ऐड कर रहा है ये, और ब्रश के लिए मैं ब्लश ब्रश यूज कर रही हूँ। अब मैं सेम कलर पॉप का डार्क आई शेडो यूज कर रही हूँ, और पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं इसको स्मच करूंगी ऑन माई लोअर लैश लाइन, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा की जो लोअर लैश लाइन है वो भी थोड़ी सी स्मोकी लग रही थी उसके लिए। हल्का सा मैं काजल अप्लाई कर लूंगी, उसके लिए मैं जेल लाइनर यूज कर रही हूँ मेबेलिन का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लिप्स। सो एज यू कैन सी प्रियंका की लिप्स बहुत ही लाइट है, बट थोड़ा सा उन्होंने शिमर कलर की लिपस्टिक अप्लाई की है क्योंकि थोड़े से ग्लिटर्स लग रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिप लाइन करूंगी, मैं एसेंस का लिप लाइनर यूज कर रही हूँ, और मैं अपने लिप्स को अच्छे से लिप लाइन कर लूंगी इससे। और लिपस्टिक के लिए मैं ये मीट मैट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम बाम कॉस्मेटिक्स, ये थोड़ी सी पिंक मैट लिपस्टिक है, और मैं ये अप्लाई कर लूंगी। और थोड़े से शिमर्स और ग्लिटर्स ऐड करने के लिए मैं टार्ट की ये ग्लिट्सी पेंसिल यूज कर रही हूँ, तो ये हल्का सा ग्लिटर अप्लाई कर देगा ऑन माई लिप्स, तो मैं ये अप्लाई कर लूंगी ऑन टॉप ऑफ दी लिपस्टिक। Now I'm gonna curl my lashes. और मस्कारा के लिए मैं लॉरियल पैराडाइज मस्कारा यूज कर रही हूँ, और मैं अच्छे से अपनी लैशेज को कोट कर लूंगी।
आप चाहें तो आप बहुत ज़्यादा मस्कारा अप्लाई कर लें, बट मैंने नेचुरल सी फॉल्स एचेस भी अप्लाई की हैं। सो दिस इज़ द फाइनल लुक यू गाइज। आई रियली होप आप लोगों को ये प्रियंका चोपड़ा इंस्पायर्ड मेकअप लुक पसंद आया होगा और आप ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि एज यू कैन सी पार्टी मेकअप के लिए बहुत अच्छी लुक है। तो आप ज़रूर रिक्रिएट करें इस लुक को अगर आप किसी पार्टी में करना चाहते हैं, और स्पेशली ब्लैक ड्रेसेस के साथ ये लुक बहुत ही अच्छी लगेगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। और अगर आप कोई और इंस्पायर्ड लुक देखना चाहते हैं सो कमेंट डाउन बिलो। Thank you so much guys for watching. Bye guys. See you next time. Take care.